इन शॉर्ट शमशेर खान पठान। मरून जो है आरवे के कॉलेज पुणे यूनिवर्सिटी से, उन्होंने बीएससी की थी 1976 में और उन्होंने मुंबई पुलिस में अपने खिदमात अंजाम दिए थे 1990 से लेके 2007 तक। विकिपीडिया के तहत हमने बहुत जानने की कोशिश की कि शमशेर खान पठान की क्या डेट ऑफ बर्थ थी, देकर मालूम जानने की हमने कोशिश की, लेकिन ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमें मुहैया नहीं हुई। फिर भी शमशेर खान पठान जो कि 16 इयर्स के थे और पिछले कई दिनों से वो बीमार चल रहे थे, बिल आखिर वो अपनी जंग हार गए और मौत ने उन्हें गले लगा ली यस्टरडे 19 मई फ्राइडे 2023। काफी दिनों से अलील थे शमशेर खान पठान और रिटायरमेंट के बाद इन्होंने अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसके वो फाउंडर थे और नेशनल प्रेसिडेंट भी थे। अवामी विकास पार्टी उनकी पार्टी का नाम था और 2019 के असेंबली इलेक्शन में उन्होंने भी किस्मत आजमाई 186 मुंबा देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी से और काफी उनके उस दौर में वीडियोज आ रहे थे। वंचित बहुजन अघाड़ी की टिकट पे उन्होंने अमीन पटेल के सामने अपनी किस्मत आजमाई, जहां मैंने भी अपनी किस्मत आजमाया और जो नतायज आए, पब्लिक ने जो वोट दी तो जो टॉप 5 था उसमें ना शमशेर खान पठान का नाम था ना मेरा नाम था और हमसे ज्यादा तो नोटा के वोट गिरे थे। उस इलेक्शन में अमीन पटेल को 58,952 वोट मिले थे, यानी 54% से ज्यादा वोट मिला था। सेकंड नंबर पे थे उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, जब वो पूरी शिवसेना थी। पांडुरंग सकपाल 35,297, यानी 32% से ज्यादा इनको वोट मिला था। एमआईएम के थे बशीर मूसा पटेल 6,373 वोट मिला था, अनकरीब 6% के करीब। और शमशेर खान पठान ने उस इलेक्शन के दौरान में ऐसे ऐसे अल्फाज यूज किए थे बशीर मूसा पटेल के खिलाफ जो कि किसी भी समझदार पॉलिटिशियन को नहीं करना चाहिए। एमएनएस के केशव रमेश मुलय 3,185 वोट लेके 3% के करीब उनको वोट मिला था। और जो नोटा था नन ऑफ द अबव उसको 1,539 वोट मिला था, यानी 1.5% के करीब। जबकि ना सिर्फ शमशेर खान पठान की डिपॉजिट जपत हुई थी, साथ ही साथ हमारी भी डिपॉजिट जपत हुई थी, क्योंकि शमशेर खान पठान इतना बड़ा नाम था और वंचित बहुजन अघाड़ी के तहत वो अपनी किस्मत आजमा रहे थे। साथ में उनकी खुद की पार्टी आवामी विकास पार्टी का भी समर्थन था, उनके कार्यकर्ता का भी समर्थन था। तो इतना हाई प्रोफाइल नाम मुंबई पुलिस का जो सीनियर इंस्पेक्टर था पाइधुनी में दौरान सर्विस, बाद में असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस बनके वो रिटायर्ड हुए, मगर 2019 के इलेक्शन में आवाम ने उन्हें किनारे कर दिया। बिलाखिर कई दिनों की बीमारी के बाद शमशेर खान पठान अपने मालिकी हकीकी से मिलने के लिए 19 मई 2023 को रवाना हो गए। हम उम्मीद करेंगे कि मालिक उन्हें जन्नत में जगा दे।